राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ कई सांसद और राजस्थान की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। राजस्थानी मित्र मंडली की ओर से हुए इस कार्यक्रम में सभी लोग पारंपरिक पगड़ी और वेशभूषा में नजर आए। समारोह में राजस्थानी कलाकारों ने लोक नृत्य का ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और इस मौके पर राजस्थानी मित्र मंडली के फाउंडर कनिष्क यादव ने कहा कि दिल्ली में राजस्थानी परिवार एकजुटता का संदेश दे रहा है। दो साल के बाद एक बार फिर हमने छठी बार राजस्थान स्थापना दिवस दिल्ली के अंदर मनाया। इस बार 8000 के लगभग राजस्थानी परिवार एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और हमने पूरी धूमधाम से इसको मनाया और हमने प्रण लिया कि आगामी 2 साल जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है 75वां, वैसे ही हम 75वां राजस्थान स्थापना दिवस के अंडर में अगले जो 2 साल तक सारी इवेंटें करें और 2 साल के बाद लगभग 20 से 25 हज़ार परिवार हम राजस्थानी जो है दिल्ली में एक साथ जुड़े और सभी देश को एक संदेश दें कि अगर आप यूनिटी स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं कि अगर आप यूनाइट रहेंगे तो आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, जो बेसिकली राजस्थानी मित्र मंडल जैसे करता है, मेडिकल कैंप लगाना, एक दूसरे की हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन करना। सो हमारा ये विजन कंटिन्यू रहेगा। 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद जिसमें हमने बहुत से अपने भाई बहनों को खोया है, लेकिन ये उत्साह का कार्यक्रम रहा और हमारे जितने भी आरएमएम से जुड़े हुए लोग हैं उन सबके मन में एक उत्साह था और आज सबसे मिलने का मौका मिला इस खुशी में। और 4 चांद लगे जब हमारे सांसद और जितने लोग आए, दूर दूर से लोग आज शामिल हुए, उन सबका बहुत बहुत आभार। और वीरों की धरती है, त्याग और तपस्या की धरती है, वो पन्नाधाई की धरती है, महाराजा सूरजमल जी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। गर्व होता है ऐसी धरती पर हम सबको जन्म लेने का। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस अवसर पर आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर राजस्थानी भाई आए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये संकल्प ले कि वहाँ पर जिस तरह से क्राइम हो रहा है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो वो किस तरह से उन बहन बेटी